डियो अगेन थोड़े रिजनेबल वाले आ जाते हैं और उसमें स्टार्ट करते हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट जो मैंने यूज़ किया मुझे पर्सनली अच्छे लगे हैं, तो यू कैन गो फॉर दिस फाउंडेशन ऑरेंज वाली बॉटल है। दिस इज अगेन अ वेरी गुड डियो, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगेन ये लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब आराम से 7-8 घंटे चल जाता है। डियो है, ये सब डियो है, परफ्यूम ज़्यादा चलते हैं, डियो ज़्यादा नहीं चलते हैं, बट अगेन ये 7-8 घंटे आराम से टिक जाता है और ये जो स्मेल जो छोड़ता है ना, वो डेफिनेटली वो बैड स्मेल नहीं छोड़ता है। और ये भी शायद 200-250 उससे कम में भी आपको ऑनलाइन भी डिस्काउंट में मिल जाता है। क्या प्राइस है, लिंक डेफिनेटली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस। नाउ कमिंग विथ माई टू पर्सनल फेवरेट, जो मैं डेफिनेटली मतलब मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि एटलीस्ट इन दोनों में से एक तो यूज़ करके प्लीज़ देखना, तो ही आपको पता चलेगा कि किस तरह के परफ्यूम है, जो मेरे खुद के बहुत ज़्यादा पर्सनल फेवरेट हैं। ये फर्स्ट है, ये नाइकी की तरफ से है, नाइकी का है, अप एंड डाउन। दिस इज़ द बेस्ट आई कैन से बेस्ट परफ्यूम, सॉरी डियो है, और ये लॉन्ग लास्टिंग है 8-9 आवर्स। यस डेफिनेटली, इसका मैंने ऑलरेडी परफ्यूम भी मंगवा के रखा हुआ है, बिकॉज मुझे इतना ज़्यादा इसकी फ्लेवर इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि जैसे ये खाली होने को आता है मैं दूसरा डेफिनेटली उसको ऑर्डर कर ही देती हूँ। सो दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। अभी नाइकी के बहुत सारे डिफरेंट जो वर्जन और फ्लेवर है वो मैं ट्राई करने वाली हूँ, बट हाँ मैंने ये ट्राई किया और ये मेरा पर्सनल फेवरेट हो गया है, तो डेफिनेटली इसको तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि आप एटलीस्ट इसको यूज़ करें। कोई हार्श इस पर इफेक्ट नहीं होती है स्प्रे करने के बाद, बहुत ही माइल्ड है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस। दिस इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू। एंड यस, कमिंग विद द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ऑल्सो माई वन ऑफ द फेवरेट। दिस इज द इमोशन, फ्रॉम द इमोशन। ये ब्रांड भी बहुत ज़्यादा ही फेमस है, बट उसमें बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, बट ये पिंक वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है। डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस। ये किसी भी तरह की बैड स्मेल होगी ना, तो डेफिनेटली उसको निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैंने इसको एज अ रूम फ्रेशनर भी यूज़ किया हुआ है, एंड दिस इज द बेस्ट वन। मतलब ये सारे जो परफ्यूम और ये सारे जो डियो है ना, डेफिनेटली आई कैन से यू कैन गो फॉर दिस, ब्लाइंडली यू कैन ट्रस्ट फॉर दिस। लास्ट के जो टू थे वो तो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गो। और आपको ये सारे परचेज करने के बाद वो मैं गारंटी मैं देती हूँ कि आपको फिर रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने ये क्यों परचेज कर दिया। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, बट दिस इज़ द प्रोडक्ट, मुझे पता है, बिकॉज एज अ गर्ल अगर मैं परचेज करने के लिए जाती हूँ तो कितनी दिक्कतें, कितनी हम फेस करते हैं प्रॉब्लम। और पता है कि अगर कॉस्टली परफ्यूम डियो लेके आते हैं फिर इतना ज़्यादा पछताने का मतलब वो हो जाता है ना, कि पैसे पानी में गिर जाते हैं पूरे के पूरे। तो इसीलिए मैंने बहुत सारा सोच के ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाया है, जो मैंने यूज़ किया है वो ही मैंने इसमें इंक्लूड किया है, तो वो आपके लिए ईजी हो जाए परचेज करने के लिए। एक्चुअली आई फॉरगॉट टू इंक्लूड, वो तो बेस्ट में बेस्ट प्रोडक्ट है, दिस इज द निविया पर्ल एंड ब्यूटी, जो ऑलरेडी मैंने यूज़ किया है। दिस इज द साइड, इसको ये परफ्यूम, ये डियो ऐसा है ना कि इसको हम इस तरह से रख सकते हैं कि भाई कुछ भी नहीं है, तो डेफिनेटली ये तो ऑप्शन में चल ही जाएगा। तो निविया इज द बेस्ट ब्रांड। निविया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी मैंने यूज़ किए हैं, उसका भी रिव्यू मैं बहुत जल्दी डालने वाली हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं। बट यस, डियो में तो डेफिनेटली उसका रोल ऑन भी बहुत अच्छा आता है, रोल ऑन भी पूरा दिन एटलीस्ट 4-5 आवर्स तक चल जाता है, और दिस डियो इज द बेस्ट डियो पर्ल एंड ब्यूटी। तो ये एक ऐसा है ना कि एक होता है ना कि ये मैंडेटरी, तो ये डेफिनेटली आप उसको रख सकते हैं कि अगर कुछ भी नहीं है तो ये तो चल ही जाएगा। निविया पर्ल एंड ब्यूटी, दिस इज ऑल्सो माई फेवरेट। अरे ये तो सारी बात हो गई कि भाई हम डियोज यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी और मेहनत की है आप लोगों के लिए, और यहाँ पे मैं ऐसे टैल्कम पाउडर लेके आई हूँ, जो डेफिनेटली आप अगर आपके पॉकेट में भी कैरी करते हो, तो अगर डियो नहीं है तो डियो के ऑप्शन में आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे मैंने 3-4 टैल्कम पाउडर आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ, जो मैंने यूज़ किए और मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ बहुत अच्छा रहा है। उसमें फर्स्ट है ये पॉन्ड्स का सैंडल, ये सैंडल फ्लेवर का जो टैल्कम पाउडर, दिस इज द बेस्ट टैल्कम पाउडर आई कैन से, बिकॉज अगर आप उसको फेस पे भी अप्लाई करते हो तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इवन इफ़ यू आर यूजिंग दिस एज अ डीओ, मतलब अगर आप यूज़ करते हो, तो मैं गारंटी देती हूँ कि 4 घंटे तक डेफिनेटली बैड स्मेल तो नहीं ही आएगी, बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और डेफिनेटली ये एक पसीना सोक करने में भी बहुत अच्छी वाली हेल्प कर देता है, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस।
दूसरा जो टेलकम पाउडर है वो 5-5 रुपए में या मे बी अभी 10 रुपीज में मिलता होगा. दिस इज फ्रॉम द सीक्रेट टेम्परेशन. ये वाली जो दो फ्लेवर है डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस. दिस इज अगेन द गुड यू नो वी कैन से द ऑप्शन फॉर द डीओ. अगर डीओ नहीं है पॉकेट में ये 10-10 रुपए वाले ये दोनों पाउडर आप रखोगे और डेफिनेटली इट विल वर्क वेरी वेल जैसे स्पीन्स का पाउडर करता है. थर्ड वन यहाँ पे है, ये है नवरत्न कूल टैल्क. नवरत्न कूल टैल्क आप लोगों को बोलेगे, आप लोग ऐसा बोलोगे कि भाई ये तो समर के लिए है और ये आप कैसे बोल सकते हो, बट दिस इज़ अगेन माय एक्सपीरियंस कि अगर इसको भी आप एज अ डीओ यूज़ करते हो तो डेफिनेटली ये एक पसीना सोखने में तो आपकी हेल्प करेगा. इवन समर में भी आपको अच्छा वाला इफेक्ट देने वाला है, बट डेफिनेटली ये एक एज अ डीओ भी बहुत ही अच्छा वर्क करता है. दिस इज़ अगेन माई पर्सनल एक्सपीरियंस. दिस इज़ जस्ट फॉर आई गेस 5-6 रुपीज़ ओनली. लास्ट जो बहुत पहले से बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, दिस इज़ दी फ्लेवर फ्रॉम दी मैंस डिपार्टमेंट. बट डेफिनेटली मैंस डिपार्टमेंट में नहीं बोलूँगी बिकॉज ये पर्सनली मेरी भी बहुत ज़्यादा ही फेवरेट है. इसका फोटो मैंने ऑलरेडी इंक्लूड नहीं किया है, अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ. इसको अगर आप परचेस करोगे तो डेफिनेटली आप रिग्रेट नहीं करने वाले हो. दिस इज़ दी जेड पाउडर. ये बहुत ही कम शायद ऑनलाइन मिलता होगा, लोकल स्टोर में डेफिनेटली ईजिली अवेलेबल है. बट दिस इज़ दी अगेन एक ऑप्शन है. इसके डीओज मिलते हैं, परफ्यूम्स भी मिलते हैं, बट ये पाउडर भी एक ऑप्शन है कि जिसको आप एज अ डीओ यूज़ कर सकते हो. और डेफिनेटली इसकी भी फ्रेग्रेंस इस तरह की है कि आप रिग्रेट नहीं करने वाले हो उसको यूज़ करने के बाद. डेफिनेटली दिस विल वर्क वेरी गुड एंड मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है जेड पाउडर, तो डेफिनेटली आई एम यूजिंग. मैंस है बट स्टिल यू कैन यूज़ इट. आर दी डीओज एंड टेलकम पाउडर्स विच आई हैव यूज एंड आई एम रिकमेंडिंग यू कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कुछ चूज़ करने में तो डेफिनेटली आप उस वो या इससे यहाँ से ऑप्शन ले सकते हो. ये सारे ही जो डीओज और बॉडी मिस्ट और टेलकम पाउडर है इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. जेड पाउडर की ट्राई करूँगी अगर मिलती है तो, आई एम नॉट श्योर. बट हाँ डेफिनेटली मैंने थोड़ी इसमें ज़्यादा ही एफर्ट डाला है वीडियो बनाने में बिकॉज बहुत सारे इमेजेस लिए एंड फर्स्ट टाइम अभी मैं थोड़े इमोजीज ये क्या टैगलाइन और सब कुछ डालना सीख गई हूँ. तो अभी इसके लिए आप लोगों का ही मैं शुक्रिया करूँगी बिकॉज आप लोगों ने मेरे वीडियो पे थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे व्यूज़ अभी देने स्टार्ट कर दिए हैं. तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू हैव एंड आई एम इंस्पायरिंग टू हैव मोर वीडियोज़ फॉर यू कि जो एटलीस्ट ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों को यूज़फुल हो जाए कुछ ऑप्शन चूज़ करने में. अगर आपको ये वीडियो के बारे में कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी कमेंट करना है तो डेफिनेटली यू कैन गो इन द कमेंट सेक्शन एंड can comment it. I will definitely here to you know answer all that question for you. ठीक है, मैंने कहाँ से लिया है, क्या लिया है, कुछ भी है, आपको कुछ भी पूछना है, जानना है इसके अलावा तो definitely you can comment. And अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो डेफिनेटली यू कैन जस्ट लाइक. तो लाइक से क्या होता है, लाइक से कुछ नहीं होता है, बट लाइक से मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट लाइक्स आई तो मेरा वीडियो किसको तो अच्छा लगा. ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कर सकते हो और ये इन्फॉर्मेशन अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.